बापू जी बहुत मुश्किल है, मेरी कमर अटक जाएगी। क्या कमर अटक नहीं जाएगी, उल्टा कमर फ्री हो जाएगी। ये तू कसरत नहीं करता है ना, इसलिए देख कैसा गोल मटोल हो गया। देख बहुत अमीर है चंपक चाचा यानी अमित भट्ट जी, संपत्ति और सैलरी जानकर चौंक जाएंगे। स्वागत है आपका लाइफस्टाइल एंड लग्जरी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के अब तक के इतिहास में सबसे कामयाब शो में से एक गिना जाता है। इस शो के हर एक कैरेक्टर को लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर चंपक चाचा यानी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा को लोग दिलो जान से चाहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चंपक चाचा का असल नाम क्या है, ये कितने पढ़े लिखे हैं, असल जिंदगी में चंपक चाचा के बेटे कितने हैं, चंपक चाचा का घर कहाँ है और चंपक चाचा के पास कुल कितनी दौलत है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में चंपक चाचा से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपको चंपक चाचा यानी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के बारे में कई अनसुनी बातें भी मालूम चलेंगी, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियो आती रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चंपक चाचा यानी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के किरदार में नजर आने वाले एक्टर का असल नाम अमित भट्ट है। इस शो में चंपक चाचा यानी अमित भट्ट को काफी बूढ़ा दिखाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल जिंदगी में चंपक चाचा यानी अमित भट्ट की उम्र महज 48 साल है। अमित भट्ट का जन्म 11 अक्टूबर 1972 को गुजरात में हुआ था। एजुकेशन, अमित भट्ट यानी चंपक चाचा के एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई गुजरात से ही की है। इन्होंने बैचलर इन कॉमर्स यानी बीकॉम तक की पढ़ाई की है। एक्टिंग, आज अमित भट्ट को जो पहचान मिली है वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा में निभाए गए किरदार चंपक चाचा की वजह से मिली है। लेकिन दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने के काफी पहले से ही एक्टिंग क्षेत्र में एक्टिव है। इन्होंने पढ़ाई के दौरान ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। अपने जीवन के शुरुआती समय में इन्होंने थिएटर में खूब काम किया है। टीवी पर आने से पहले इन्होंने लगभग 16 सालों तक थिएटर में एक्टिंग की है। थिएटर में इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया और इन्हें कई बड़े मौके भी मिले। इन्होंने खिचड़ी, यस बॉस, चुपके चुपके, funnyfamily.com, गपशप, कॉफी शॉप, FIR जैसे कई मशहूर शो में काम किया है। मगर इनको जो असल पहचान मिली वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने के बाद मिली। आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने के लिए इन्होंने कोई ऑडिशन भी नहीं दिया था, बल्कि इनका नाम इन्हीं के एक को एक्टर ने डायरेक्टर को सुझाया था। बाद में एक मीटिंग के बाद ही डायरेक्टर ने इनके टैलेंट को समझते हुए इन्हें चंपक चाचा का रोल दे दिया। इस रोल में ये इतने घुलमिल गए कि आज इसी रोल की वजह से ये पहचाने जाते हैं। अब तक अमित भट्ट को ज्यादातर लोगों ने सिर्फ छोटे पर्दे पर ही काम करते देखा है, लेकिन कुछ समय पहले ये लव यात्री नाम की फिल्म में भी कैमियो रोल में नजर आए थे। ये तो अमित भट्ट के एक्टिंग करियर की बात हो गई। चलिए अब इनसे जुड़ी कुछ दूसरी इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। फैमिली, अमित भट्ट की फैमिली में अमित भट्ट के अलावा इनके एक बेहद खूबसूरत पत्नी तथा इनके दो जुड़वा बेटे हैं। पत्नी का नाम कृति भट्ट है। अमित भट्ट अपने दोनों बेटों के साथ लव यात्री फिल्म में एक कैमियो रोल में नजर आए थे। इसके अलावा भी अमित भट्ट नियमित रूप से अपनी पत्नी और बेटों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। घर, मूल रूप से अमित भट्ट गुजरात के हैं। इनका बचपन भी गुजरात में ही बीता और काफी समय तक इन्होंने गुजरात में ही थिएटर एक्टिंग की है। बाद में इन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई की ओर रुख किया और मुंबई में ही इन्हें कामयाबी भी मिली। फिलहाल ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही एक आलीशान घर में रहते हैं। इस घर की कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए है। कार, अमित भट्ट बाकी एक्टर से थोड़े हटके हैं। ये महंगी गाड़ियों पर ज्यादा पैसे लुटाना पसंद नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा गाड़ी खरीदने का भी इन्हें शौक नहीं है। यही वजह है कि इनके पास फिलहाल एक ही गाड़ी इनोवा क्रिस्टा है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है। सैलरी और नेटवर्थ, चलिए दोस्तों अब हम फाइनली आपको चंपक चाचा यानी अमित भट्ट के सैलरी के बारे में बताते हैं। खबरों के मुताबिक चंपक चाचा एक एपिसोड के लिए 70 से 80 हजार रुपए चार्ज करते हैं। चूंकि एक एपिसोड से इन्हें काफी अच्छी कमाई होती है, इस वजह से इनकी कुल दौलत भी अच्छी खासी है। आंकड़ों के मुताबिक इनकी नेटवर्थ फिलहाल 30 करोड़ रुपए के करीब है। अपने संपत्ति के साथ ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सबसे अमीर एक्टर में से एक है। इस वीडियो में इतना ही। चंपक चाचा की एक्टिंग आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।